तो दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऋषिकेश की एक ऐसी खूबसूरत लोकेशन पर जहाँ आप गोवा, अंडमान और मालदीव के खूबसूरत बीचेस को भूल जाएंगे। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अब लेके जा रहा हूँ नीम बीच पर, जो लक्ष्मण झूला के एकदम पास में है और ऋषिकेश की सबसे फेवरेट लोकेशन है, जहाँ लोग बॉनफायर और पिकनिक स्पॉट के लिए आते हैं, अपनी फैमिली, दोस्तों, वेकेशंस वगैरह सब चीज़ें करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यह है यहाँ का नज़ारा और मेरे पीछे है लक्ष्मण झूला। तो लक्ष्मण झूला वन ऑफ द फेवरेट अट्रैक्शन ऑफ ऋषिकेश। लोग यहाँ पर आते हैं लक्ष्मण झूला, राम झूला, इन चीज़ों को देखने के लिए। और तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ आपको नीम बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। चलते हैं, नीम बीच एक्सप्लोर करते हैं। ये जर्मन बेकरी जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ लोग आते हैं क्योंकि एकदम ये लक्ष्मण झूला के पास ही है। तो ये जो बेकरी है 29 साल पुरानी है। चलो चलते हैं आगे। तो दोस्तों जर्मन बेकरी क्रॉस करने के बाद मेरे सफर की शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं पहुंचता हूं तपोवन घाट, जो यहां पर बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। आसपास का व्यू सच में बहुत ही खूबसूरत है। कुछ समय बिताने के बाद मुझे देखने को मिलती है भगवान शिव की और माँ गंगा की एक खूबसूरत मूर्ति, जो सच में बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत थी, और चारों तरफ का नजारा बहुत ही शांत और साफ सुथरा था। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। हर बार की तरह जो मेरी फेवरेट चीज होती है, मैं जंगल में ट्रैक करना पसंद करता हूँ। तो अब जंगल का रास्ता स्टार्ट हो गया है वो ये है। मैं पहुंच गया हूं फाइनली नीम बीच पर। ये है मेरे पीछे नीम बीच। शाम के टाइम यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। एक पिकनिक स्पॉट है जो ऋषिकेश के एकदम पास में है। देखिए कैसे लोग यहाँ पर मेडिटेशन करने, एंजॉय करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आते हैं। चारों तरफ बहुत ही शांति है यार। और ये है सामने मेरे पीछे, ये है मैगी पॉइंट, जहाँ लोग हल्का फुल्का एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ लोग आते हैं। और यहाँ पर शिवपुरी से लेके यहाँ तक राफ्टिंग होती है 16 किलोमीटर की। यही लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पे सारे के सारे राफ्ट रोके जाते हैं और लोगों का एंड यहीं पर होता है। एक बाबा मिले हैं मुझे यहाँ पर, क्या नाम है सर आपका? रमेश जी नाम है। मैंने इनको देखा इतनी ठंड में, यहाँ पे आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये मेडिटेशन कर रहे थे। मैंने इनको डिस्टर्ब करा, माफ करना मुझे। ठीक है, इन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो हमेशा भरा रहता है लोगों से, और यहाँ लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पे राफ्टिंग का एंडिंग पॉइंट भी है। और देखिए मेरे सामने ना बहुत सारी राफ्ट आ रही है, तो यहीं पर आके रुकेंगी। ये शिवपुरी से स्टार्ट होती है। नीम बीच एक मेडिटेशनल जगह है जहां लोग आकर बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं और ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, जो लक्ष्मण झूला से लगभग 500-600 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो मेरे सामने जो वाटर राफ्टिंग एक्टिविटीज हो रही है वो देखने वाली है। यहाँ से आप देखिए, मैं करना चाहता था लेकिन अभी फिलहाल मूड नहीं है, तो देखते हैं वाटर राफ्टिंग एक्टिविटी जो आगे तक जा रही है। हाय, आप अकेले कर रहे थे? आप गाइड हो? क्या नाम होगा? केशव भाई। सिंगल? और ये भाई बहुत सिक्योर तरीके से करते हैं और करवाते हैं लोगों को। कहते हैं डर के आगे जीत है, और किसी भी एडवेंचर को करने के लिए उम्र का कोई रोल नहीं होता। और मेरे सामने इतने मैच्योर लोग हैं जिनकी एज भी है, लेकिन कहने का मतलब ये कि एडवेंचर से ना इनकी आँखों में जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो देखने वाली है। इन्होंने करा 8 किलोमीटर का और बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग ये। तो जो भी लोग हैं ये एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं, चाहे वो 40 साल के हो चाहे 50 साल के हो, कर सकते हैं। कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। मज़ा आया? कहाँ से आप लोग? मुंबई से। बॉम्बे से यहाँ पर राफ्टिंग करते हुए, पूरे एडवेंचर को एंजॉय करते हुए। गॉड ब्लेस सब आप लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है सारी दुनिया को दिखना चाहिए। ये देखिए हसन वाइफ है। ओके बाय। एक शॉर्ट ट्रैक ले लो, शॉर्ट राफ्टिंग कर लीजिए, आसानी से हो सकता है। लोग 16 किलोमीटर की भी करते हैं,
लोग 35 किलोमीटर की भी करते हैं। और शिवपुरी से स्टार्टिंग होती है, और भी ट्रैकिंग पॉइंट है उससे ऊपर के, सबके रेट्स अलग अलग हैं। यहाँ का यार नज़ारा ही बहुत अच्छा है। मुझे 20 मिनट हो चुके हैं गोवा बीच पर, लेकिन मन कर रहा है उस साइड में जाऊँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर कराऊँ, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर कराऊँ। तो जाऊँगा कैसे, यहाँ मेरे को शूज़ उतारने पड़ेंगे और यहाँ से जाना पड़ेगा। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पिकनिक स्पॉट है जहाँ फैमिली वगैरह आती है, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं पूरी फैमिली सेलिब्रेट कर रही है अपने डेज को, अपनी लेजर एक्टिविटी को, यहाँ से पार्टी वार्टी कर रहे हैं। और मेरे पीछे लोग राफ्टिंग करते हुए आ रहे हैं, और वो जो पीछे साइड में है वो है गोवा बीच और ये है नीम बीच। ऋषिकेश के अंदर दो ही बीच है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जहाँ लोग एक्टिविटीज़ करने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं और चले जाते हैं। पानी का फ्लो बहुत तेज़ हो चुका है, पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे जगह खाली थी, जबरदस्त सुपर डुपर जगह है ये। इस नीम बीच को एक्सप्लोर करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आ गया। यहाँ अलग अलग लोग मिल रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। और इसे एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ आगे कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। बताना इतना ही चाहूँगा कि ये जो नीम बीच है और सामने जो गोवा बीच है, ये दो ऐसी लोकेशन है जहाँ लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज आर मेड एंड डन। आप यहाँ पर आ सकते हैं, एक्टिविटीज़ का आनंद उठा सकते हैं, एक नाइट लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ आना चाहते हैं नीम बीच पर, तो आप एक बात का ध्यान रखें, पूरी सावधानी के साथ इस लोकेशन पर आएं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब लोग यहाँ खेलते हैं बीचेस पर और गंगा नदी में डूब जाते हैं। इसके काफ़ी सारे केसेस आप यूट्यूब पर और न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।